और थोड़ी देर बाद उसी की गोद में जाके भन्न से बैठ गई। बस उसका बस चले ना तो कच्चा चबा जाएगा। सिर्फ फ्रेंडशिप था, बस मैं इसे नहीं मिल पाई हूँ ना, मैं तुझे मिल गई हूँ इसलिए ना ये चिढ़ रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यामी सिंह एंटरटेनमेंट। कैसे हो आप सब लोग? आज के बिग बॉस के एपिसोड में हमें जैसे ही शुरुआत हुई तो हमें देखने को मिला शमिता शेट्टी का काइंड हार्टेड नेचर, जो कि बहुत ही अच्छा था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो, मतलब इस एरोगेंट लेडी के अंदर, या जैसे हमने OTT में देखा था, हम लोग उसी नज़र से हम शमिता शेट्टी को देख रहे थे, क्योंकि उसमें वो एरोगेंट और एक कहते हैं ना क्लास वाली लेडी के अंदर हमने एक छुपा हुआ काइंड हार्ट देखा, जो बहुत ही अच्छा लगा हमें देखने में कि उन्होंने मायशा को, जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, जो कि हमें आज ही शो में पता चला है कि उनके पेरेंट्स नहीं हैं और इसलिए उनको बाहर से चीज़ें भेजने वाला कोई भी नहीं है, मतलब जैसे वो और भी शो कर चुकी हैं और शायद पता नहीं वो शो कैसे हो गए अगर उन्हें बाहर से कोई चीज़ नहीं भेजता था, तो इस वजह से कि उनको बाहर से सामान कौन भेजेगा, क्योंकि मैंने उनकी चप्पलें जो हैं वो कलर कर दी थी, रंग कर दी थी, तो इस वजह से उनकी चप्पलें ख़राब हो गई। अब उनको बाहर से कौन चीज़ें भेजेगा, तो इसलिए शमिता शेट्टी ने अपनी चप्पलें सामने रखी और चूज़ एनीवन, चुन लो कोई भी, जो तुम्हारा फेवरेट कलर हो तुम अपने हिसाब से कलर चुन लो, जो तुम्हारा मन हो वो वाली चप्पल ले लो मेरी। तो यहाँ पे मायशा ने बोला नहीं, मेरी चप्पलें इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी जितनी आपकी हैं, तो मतलब कोई बात नहीं, आप अपने मन से कोई भी दे दो। लेकिन शमिता ने बोला नहीं, आप अपने मन से ले लो, जो भी ले लो। और वो उसकी बात पर, मतलब उसके पेरेंट्स वाली बात पर कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं, तो इस बात पर वो काफ़ी रोई भी, काफ़ी फूट फूट कर रोई, जो कि मतलब देखने में अच्छा लगा कि चलो ऐसे इंसान के अंदर, जो कि OTT में हमें शमिता जो नजर आई थी उससे काफी चेंज है यहाँ पर शमिता। के बाद बात हुई शमिता और कुंद्रा के बीच में, जहाँ पे उन दोनों में ये डिस्कशन चल रहा था कि जय, मतलब उसने जो गाली दी थी उसको वो गलत किया, और प्रतीक ने जो बोलना शुरू किया था कि तुम्हें खेलना नहीं आता, सालो तुम्हें कुछ नहीं आता, ऐसे खेलते हो, देखो शमिता के कितने लगी है, तो प्रतीक वो सबको बोल रहा था। तो वहाँ पर यही डिस्कशन चल रहा था, क्या प्रतीक सिर्फ जय को ही बोल रहा था इसलिए जय इतना भड़का, लेकिन नहीं, तो वहाँ पर उमर ने बोला कि नहीं, वो सभी को बोल रहा था, तो एकदम से जय सामने आ गया और फिर दोनों में भिड़ंत हो गई, क्योंकि वो एक दूसरे के जैसे ही सामने आते हैं और वो भिड़ जाते हैं। तो आज उन लोगों का ये डिस्कशन करते हुए हमने देखा। आज विशाल कोटियान जो है वो फ्रिज में से कुछ सामान लेकर जा रहे थे, पता नहीं दही थी कि क्या था, कुछ डब्बा था, वो चुपचाप चोरी से लेकर गए वो अपने लिए, और उन्होंने बिग बॉस के सामने बोला, उन्होंने कहा पेट खराब है बिग बॉस, प्लीज करना पड़ता है पेट खराब है, जबकि यही चीज जब कोई और कर रहा था, विधि कर रही थी या कोई और घर वाला कर रहा था, जंगलवासी, तो विशाल कोटियान बोल रहे रूल्स तोड़ रहे हैं यार, ये लोगों को मना किया है फिर भी ये लोग जा रहे हैं, तो आज वो ये सब खुद करते हुए दिखाई दिए। आज के एपिसोड में हमें ये भी पता चला है कि जो ईशान है वो जय को बता रहे हैं कि जो उमर है ना, उसने मायशा को बोला है कि हम फेक लव एंगल बनाएंगे, और प्रतीक को भी इंक्लूड कर लेंगे और फेक लव एंगल बनाएंगे, और ऐसा ऐसा करके हम ऐसा करेंगे और आगे तक जाने के लिए, मतलब ऐसा ईशान ने बताया है जय को कि उमर इतना गंदा लड़का है, उमर ने ऐसे कहा है। लेकिन भाई ईशान तो खुद बहक रहा है उस लड़की के चक्कर में, वो लड़की ने तुझे बोला कि ये मेरे से ऐसे बोल रहा था, मैं इसे नहीं मिल पाई हूँ ना, मैं तुझे मिल गई हूँ इसलिए ना ये चिढ़ रहा है, उमर चिढ़ रहा है, तो इतनी ज़्यादा हूर की परी है मैडम कि मैं उसे नहीं मिल पाई हूँ, तुझे मिल गई हूँ इसलिए ये चिढ़ रहा है। तो इसलिए मायशा ने ईशान के मन में ये बात डाली थी, तभी से ईशान की जो बुद्धि है ना वो सटक गई है, तब से वो उमर को उसी नज़र से देख रहा है कि यार इसने मायशा के साथ लव एंगल, फेक लव एंगल बनाने के लिए बोला था, क्योंकि ये बात मायशा ने बोली है इसलिए ईशान ने उसकी बात पर ट्रस्ट कर लिया, और वो उसी नज़र से, उसी खौर खाई हुई नज़रों से वो मतलब उमर को ना बस उसका बस चले ना तो कच्चा चबा जाएगा, इतना ज़्यादा गुस्से में है ईशान उमर से। लेकिन उसको खुद नहीं पता कि उस लड़की के चक्कर में, उस फेक लड़की के चक्कर में वो अपनी बहन की, अपनी बेटी की, जो बहन को बेटी बोलता है वो, उसकी कसम खा रहा है। मतलब एक रियलिटी शो में एक लड़की को तुम जानते भी नहीं हो, ये भी नहीं पता कि ये प्यार करती है नहीं करती, बस ये है कि चुम्मा चाटी सब करती है, लेकिन प्यार के लिए वो हाँ नहीं भरी। आज वो ईशान से ये कहती हुई नज़र आई, मुझे वक्त चाहिए यार, मुझे वक्त लगेगा। और ईशान ने बोला कि मैं अपनी बहन की कसम खाता हूँ जिसे मैं बेटी मानता हूँ, कि मेरी जो फीलिंग्स हैं तेरे लिए वो जेन्युइन है, मैं तुझसे सच में प्यार करता हूँ, मैं तेरे साथ अपना फ्यूचर देख रहा हूँ। वो लड़का इतना सीरियस है और ये लड़की मुझे वक्त लगेगा, और थोड़ी देर बाद उसी की गोद में जाके भन्न से बैठ गई, जिसे अभी टाइम लगेगा।
शान को खुद भी नहीं पता, जब उसको पता चलेगा ना कि ये लड़की किस हद तक जा सकती है बिग बॉस में आगे जाने के लिए, तब उसके ना कान खड़े हो जाएंगे, तब पता चलेगा कि यार कितना बड़ा बेवकूफ बन रहा था। जबकि उमर इसको इंडिकेट कर चुका है कि यार तू प्यार कर, उमर ने उसको ये नहीं बोला कि तू इससे रिश्ता तोड़ दे, इस लड़की से दूर हट जा, उमर ने बोला था इसको कि यार तू कर, इसने बोला मैं यार मैं प्यार में पड़ा हुआ हूँ, पिछले एपिसोड में उसे बोला था कि यार मैं प्यार में पड़ा हुआ हूँ, तो उसने बोला प्यार में पढ़ लेकिन यार ज्यादा इमोशनल मत हो, यहाँ भी लगा ऊपर का माला भी लगा, ऐसा नहीं कि यहाँ के चक्कर में तू ऊपर का माला ये इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, तो तू इस्तेमाल कर, तू गेम में भी फोकस कर थोड़ा, ऐसा ही नहीं मायशा मायशा ही करता रहे और इसी में ध्यान लगाए, तो तू थोड़ा सा गेम पे भी फोकस कर, उमर ने उसको ये बोला था, रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं बोला था, लेकिन वो ऐसा बैल बुद्धि नजर आ रहा है, जैसे उधर वो था ना हिना खान वाले बिग बॉस में, क्या कौन सा बिग बॉस था, बिग बॉस 13 था शायद या 12 था, इसमें जो ईशान है ना वो बैल बुद्धि बन चुका है, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लड़की के चक्कर में बावला हुआ जा रहा है। परीक्षा आज भड़की क्यों ईशान पे, वो इसलिए क्योंकि ईशान को जब पता चला कि अभी भी प्रतीक से बातें करती है, प्रतीक से रात को छुप छुप के बातें करती है, और प्रतीक कहता है कि हाँ यार मुझसे ऐसी अच्छी अच्छी बातें मत कर ये वो, तो उसको पता चल गई ये बात ईशान को कि मायशा प्रतीक से बात ऐसे करती है रात के टाइम पे, तो उसने पूछा कि हाँ भाई मायशा तू ऐसे करती है और ये वो, तुम्हारा पहले कुछ ऐसा था या कुछ ऐसा वो, तो मायशा ने बोला, मायशा एकदम भड़क गई, वो कहते हैं ना कि मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो वाला हिसाब था, मायका एकदम भड़क गई कि अच्छा नहीं यार सिर्फ फ्रेंडशिप था, बस ऐसे रजाई झटकी उसने और वो चली गई, रजाई थे जाने टॉवल था जो भी था उसको झटका और वहां से वॉकआउट कर गई, क्योंकि ईशान ने वो पॉइंट दबा दिया जिससे उसको मिर्च लगी कि यार इससे तो मेरा पहला वाला खुल जाएगा कि मैं प्रतीक के साथ एंगल भी बनाने चाह रही थी, तो इसलिए उसने सोचा गुस्सा दिखाऊंगी भड़क जाऊंगी, तो वो भड़क के उसने दिखा दिया और वो वहां से चली गई, और उसके बाद वो तब से ईशान पे भड़की ही जा रही है, भड़की ही जा रही है, क्योंकि उसे लगा कि यार मेरी पोल ना खुल जाए, तो इसीलिए वो भड़की जा रही है, और अपना दोष जैसे वो ईशान जो जैसे वो खुद उसके साथ गेम प्ले कर रही है ईशान के साथ, तो उल्टा उसी को भी बोल रही है कि यार तुम मेरे साथ गेम तो नहीं खेल रही, ये तो नहीं खेल रहे, तो ईशान कहता है कि यार मैं रोज रात को तुझे यही एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है मुझे कि मेरी फीलिंग्स जेन्युइन है, क्यों इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि वो लड़की खुद उसके साथ गेम खेल रही है, इसलिए उसको लग रहा है कि सामने वाला बंदा भी मेरे साथ गेम, मैं तो उस दिन के इंतजार में हूँ कि कब ईशान को इस लड़की की असलियत पता चलेगी ना, बस एक दो एपिसोड में, या तो आज के एपिसोड में या फिर कल के एपिसोड में पता लग जानी है इस लड़के को इसकी असलियत, तब इसका रिएक्शन देखना है मुझे कि तब इसको कैसा रिएक्ट करेगा इस लड़की की असलियत जानने के बाद। चलनी तो ज़्यादा देर है नहीं, बिग बॉस में कौन सी लव स्टोरी चलती है, कोई इक्का दुक्का कोई चल गई, वरना तो सारे बनते हैं गेम के लिए, मतलब ये लोग ना बिग बॉस में आगे जाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। झूठा लव रिलेशन, भैया लव रिलेशन भी झूठा होता है, वो भी ये लोग झूठा बना लेते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं। जिस तो मैंने एक ऐसी चीज़ देखी कि मतलब हंसी मेरी रुक नहीं रही थी, उमर को आज मैंने डांस करते हुए देखा और वो अजीब सा डांस कर रहा था, मतलब कि देखने में इतनी हंसी आ रही थी, पहली बार मतलब एक लंबा सा शरीर और एकदम बस ऐसे लहर रहा है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार एपिसोड रिकैप करके देखना, वूट पर आपको देखने को मिलेगा उमर का डांस मॉर्निंग वाला। वहीं पर आज निशांत कहता हुआ नजर आया कि वो विशाल कोटियान को ट्रस्ट नहीं करता, और सही बातें करना भी नहीं चाहिए, विशाल कोटियान माइंड गेम खेल रहा है, असली में अगर कोई माइंड गेम खेल रहा है तो विशाल कोटियान, और विशाल कोटियान की जो नीति है ना वो चाणक्य नीति पर बेस्ड है, वो चाणक्य नीति चल रहा है पूरा कि मतलब घर वालों में मिल के रहो, घुस के रहो, और जिससे भी लड़ाई होती है ना, चाहे वो किसी की भी लड़ाई हो, पर्सनली उस बंदे के पास उसको मिलने जाता है, उससे बात करने जाता है, यहाँ तक कि वो मतलब बाकी सब लोगों से मिला रहता है लेकिन मतलब हर बंदे से अलग अलग रिलेशन बना के रख रहा है वो चाणक्य नीति के अकॉर्डिंग। जैसे कि आज उसने शमिता को भी आज वो पूरा मैनिपुलेट करते हुए नजर आया कि मैं और जो तेजा है ना वो स्ट्रांग प्लेयर है ना, और हम अंदर आ जाएंगे ना तुम्हारे साथ तो तुम्हारे पास स्ट्रांग प्लेयर आ जाएंगे और हम इन जंगल वासियों को वो जो मैप है ना वो बनाने नहीं देंगे, तुम मुझ पे विश्वास करो ये करो। और शमिता शेट्टी दिमाग चला रही है कि हाँ यार मैं संचालक हूँ और मैं मतलब मेरे हिसाब से सब कुछ होगा, जो मेरे ऊपर है मैं जो बोलूंगी वही, मैं जो जितने भी शुगर केन्स दूंगी वो मैं अपने हिसाब से दूंगी जिसको मुझे जिताना है। शमिता शेट्टी ये नहीं जानती कि जो विशाल कोटियान है ना
वो उसका इस गेम में बाप बन के आया है और वो पूरा उसको अपने हिसाब से घुमा रहा है, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहा है शमिता को। और शमिता सोच रही कि मैं बहुत चालाक हूँ, मैं गेम से गेम को अपने दिमाग से चल रही हूँ, सोच के चल रही हूँ। लेकिन विशाल कोटियान जो है वो उसके दिमाग को चला रहा है, शमिता के दिमाग को चला रहा है विशाल कोटियान। वो उसको पूरे तरीके से उसने कन्विंस कर दिया कि भैया हम तेरा सपोर्ट करेंगे, हम तेरे स्ट्रांग प्लेयर बनेंगे। और जबकि शमिता में और तेजा में, दोनों में आपस में नहीं बनती है तेजस्वनी में, दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट भी नहीं करती हैं, लेकिन विशाल कोटियान के कहने पर वो मान गई है शमिता और वो विशाल कोटियान को ही अंदर लाएगी। विशाल कोटियान के साथ जो है वो बाकी के 3 मेंबर्स है, तो टोटल 4 मेंबर जो है वो घर के अंदर आएंगे। यहाँ पर शमिता हमें बायस्ड होती हुई नजर आएगी। शमिता ने राजकुंद्रा को कह दिया है कि यार मैं इस गेम में बायस्ड हो जाऊंगी, लेकिन मैं तुम लोगों को भी खेलने का मौका दूंगी। लेकिन अगर लेकिन उस टाइम तो करण कुंद्रा ने ये बोल दिया कि चलो कोई बात नहीं, हम भी, हमें भी मौका दो खेलने का, कोई बात नहीं, तुम उसको ज्यादा शुगर केन दे देना, लेकिन हमें भी मौका दो। तो शमिता ने कहा नहीं नहीं मैं तुम लोग को मौका दूंगी, मैं दूंगी, लेकिन मैं बायस्ड हो जाऊंगी, मैं सिर्फ मतलब मैं उसी उसी को ही जिताऊंगी, विशाल कोटियान को जिताऊंगी, कि ताकि हमारा बेनिफिट है उसमें, उसको अपना बेनिफिट नजर आ रहा है। तो जिस गेम में यार अगर आप संचालक हो तो आप बायस नहीं हो सकते किसी के लिए, लेकिन आप यहाँ पे बायस हो रहे हो उनको, क्योंकि विशाल ने उसको इस तरीके से मैनिपुलेट किया है कि हम तुम्हारे फायदे के लिए हैं, हम तुम्हारे उसके लिए। तो पूरी तरीके से चाणक्य नीति खेलने के साथ वो विशाल कोटियान घर के अंदर जाएंगे अपनी टीम के साथ, जो कि टाइगर टीम है, और बाकी सारे लोग घर के बाहर होंगे, जिसमें जिसमें करण कुंद्रा को थोड़ा सा बुरा लगेगा। थोड़ी देर बाद हमें शमिता शेट्टी के साथ ईशान भी बात करते हुए नजर आए, किसके बारे में, उमर के बारे में। ईशान जो कि उमर के लिए खौर खाया हुआ रहता है ना, तो आज शमिता से बात करता हुआ नजर आया, जिसमें शमिता उमर की तारीफ करते हुए नजर आई कि उमर काफी अच्छा है, उमर ये, उमर वो, उमर की कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत तारीफ करी और उसको अप्रिशिएट भी किया। आज के एपिसोड में करण कुंद्रा जय भानुशाली को समझाते हुए नजर आए कि यार तू मतलब तू एक बड़ा नाम है तेरा, तू एक अच्छा सेलिब्रिटी है, बड़ा नाम है तेरा, तो तू मतलब गाली मत दे, तू ऐसी गाली मत दे यार, मतलब इस तरह की गाली मत दे। तो यहाँ पर जय भानुशाली बोला कि नहीं यार, गाली मैंने मतलब माँ की गाली नहीं दी मैंने, उसने ये बोला आज के एपिसोड में, बोला कि नहीं यार मैंने माँ की गाली नहीं दी, नहीं दी तो मुझे बार बार मत बोलो। और ऐसा नहीं है कि बिग बॉस में कभी गालियाँ नहीं दी थी, गालियाँ देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि तूने ही दिए, तूने बहुत बड़ा ऐसा कर दिया, तो ऐसा करके वो बोले जय भानुशाली। तो इतने में वहाँ पर विशाल कोटियान आता है और उसको बोलता है कि नहीं यार देख, तू बड़े भाई की तरह एडवाइस, बाकी तेरी मर्जी, हम तेरे को एडवाइस कर सकते हैं, बाकी तेरी मर्जी। तो ऐसा उसको समझाते हुए नजर आए, और कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ था जय में और कुंद्रा में, कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था जैसे कि प्रोमो में दिखाया जाता है। प्रोमो तो ऐसा बनाते हैं ना, होता कुछ और है, प्रोमो में दिखाते कुछ और है, निकलता कुछ और है। एक तो अगर आप बिग बॉस वुड पर देखते हो ना, तो दो इंसान उसमें ऐसे हैं जो आपको इरिटेट करते हुए नजर आएंगे, भयंकर तरीके से इरिटेट करते हुए नजर आएंगे। वो कौन है मैं बताती हूँ, शाहरुख खान और अजय देवगन, जो कि बोलो जुबा केसरी, मतलब हद है यार, मतलब कि बंदा खोया हुआ है और इनका मतलब बेटा वहाँ पर जेल में सर पड़ा हुआ है ड्रग्स के चक्कर में, अपने बेटे के ड्रग्स तो छुड़ा ही नहीं गए तुमसे हैं, और यहाँ पे जुबा केसरी में लगे हुए, बोलो जुबा केसरी। देखो थोड़ी थोड़ी देर में इलायची बेचते हुए नजर आते हैं, हद है, इनसे तो मैं बड़ा इरिटेट होती हूँ ये दोनों बंदों से। तो आज के एपिसोड में हमारे छोटे सिम्बा म्याऊं नजर आए, और वो भी क्या करते हुए, वैसे तो वो दिखाई नहीं देते और आज दिखाई भी दिए, तो उमर को खींचते हुए दिखाई दिए, उमर को काफी भला बुरा कहता हुआ दिखाई दिए सिम्बा। और उन्होंने बोला भी क्या बोला, मतलब क्या सिम्बा भैया, क्या मतलब क्या सिम्बा, क्या मतलब और कुछ नहीं मिला तो तू अपने भाई की तरफ से है, तू अपने भाई के सामने जीरो है, अब तेरी कोई औकात नहीं है, तू अपने भाई की वजह से यहाँ पर है, तेरा भाई देख कहाँ पहुँच गया, तू देख तू कहाँ, तेरा भाई कहाँ, ये वो, अपने भाई की वजह से आया है, मतलब और तो कुछ नहीं मिला उमर के बारे में गेम में बोलने के लिए कि हाँ भैया उसके अंदर क्या कमी है, उसके बारे में बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन भाई की बात मतलब कुछ भी बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे, मतलब तुम भी सिम्बा ही ठहरे। आज अफसानों और ईशान बात करते हुए नजर आए, जहां पर ईशान अफसानों को कह रहे थे कि विशाल कोटियान जो है ना उस पर ट्रस्ट मत करना, वो बहुत तेज है, बहुत तेज है, वो बहुत माइंड गेम खेल रहा है। तो यहां पर अफसाना उसको बोली मैं तो जानती हूँ, मुझे तो पहले ही पता है, मैं तो जानती हूँ कि बहुत तेज है, मुझे भी समझा रहा था। लेकिन अफसाना कहीं ना कहीं ये जान गई है कि विशाल कोटियान जो है वो हर एक के पास सेम बातें करता है, सबको सेम चीजें बोलता है, सब
सबके साथ वो अलग 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 एक रिलेशन बना के रख रहा है, जो कि विशाल कोटियान ने ना शमिता को भी शुरू से ही दाना डालना शुरू कर दिया था, ऐसा दाना डालना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे पता है कि ये लोग अंदर के घर के अंदर के लोग हैं और इनके पास इम्यूनिटी भी होगी और ये लोग स्ट्रांग हैं, हम लोग को भी अंदर जाना है बाद में है, तो इसलिए घर के एक स्ट्रांग मेंबर को अपनी तरफ बना के रखो, अपनी तरफ थोड़ा सा दाना डालते रहो ताकि वक्त आने पर ये हमारे काम आ जाए और इसको हम अपने जाल में ग्रैब कर सके। तो इसलिए उसने शमिता शेट्टी को ही स्टार्टिंग से ही दाना डालना शुरू कर दिया था, जबकि वो सगा किसी का नहीं है, वो बस प्योरली गेम खेल रहा है, प्योरली उसको कुछ नहीं दिख रहा, बस वो कहते ना कि वो ऐसा नहीं कि प्रतीक की तरह भड़बड़ 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 ऐसा नहीं, उसका ध्यान है वो गेम प्लस माइंड भी चला रहा है, और इसी के साथ अगर ऐसा चलता रहा तो विशाल कोटियान टॉप 3 में ही जाएगा, हो भी सकता है कि वो जीत भी जाए। सो गाइज, आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।